रोहतक के आईएमटी फेज 3 इलाके में कल हुए ब्लास्ट मामले में आज दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी टीम ने विस्फोट वाली जगह पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। करीब एक घंटे के समय के दौरान एनआईए की टीम ने रोहतक पुलिस के साथ गहनता से जांच पड़ताल की। वहीं 15 अगस्त के नजदीक होते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसे नक्सली और आतंकवादियों के द्वारा किए गए ब्लास्ट के रूप में देख रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके से कुछ सबूत इकट्ठा किए जिनके आधार पर जांच की जा रही है। विस्फोट के बाद रोहतक सहित एनसीआर में हाई अलर्ट जारी है और ब्लास्ट वाली जगह को सील कर दिया गया। आसपास के क्षेत्र में पुलिस ने फैक्ट्रियों में काम कर रहे प्रवासी लोगों की जांच पड़ताल के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो विजिट कर रहे हैं स्पॉट को, सभी के ओपिनियन भी ले जा रहे हैं और हमारी कुछ टीमें सर्च अभियान में लगी हुई हैं। फॉम्बिंग वगैरह जारी है सारे एरिए में, सारे को अपने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। हमारे जो भी सस्पेक्टेड जो हैं एरिया है या जो व्यक्ति हैं उनकी हम आज सुबह हमने फॉम्बिंग की है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्पॉट को विजिट कर रहे हैं, उनसे हम जो भी उनका ओपिनियन है वो सीख कर रहे हैं। भले ही रोहतक में हुआ ये ब्लास्ट कम विस्फोट क्षमता का रहा हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं की सतर्कता दिखाने के लिए काफी था। ब्लास्ट में एक शख्स बुरी तरह से घायल हुआ जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है।